मित्रों, आज हम आपको पांच ऐसे गंदे रहस्यमय मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में जानने के बाद हैरानी तो बहुत होगी परंतु आप खाना पीना भी छोड़ सकते हैं। तो मित्रों, नंबर एक पर आता है जगन्नाथ मंदिर। पुरी का जगन्नाथ मंदिर 1100 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। इस मंदिर में जाने के चार गेट है, जिसमे से एक सिंह द्वार है और इस गेट को रहस्य में माना जाता है। कहा जाता है जब भी आप इस गेट से शाम के वक्त अंदर जाते हैं तो आपको समुद्र से आवाज आना बंद हो जाती है, लेकिन बाहर आते ही फिर से आवाज आने लगती है। साथ ही कहा जाता है इसका झंडा विपरीत दिशा में लहराता है और इस पर कोई भी पक्षी ना तो बैठता है और ना ही इसके ऊपर से जाता है। नंबर दो, करणी माता मंदिर। राजस्थान के बीकानेर में एक करणी माता का मंदिर है जिसे चूहा वाला मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर में हजारों चूहे रहते हैं और मंदिर में घूमते रहते हैं, और इस मंदिर की खास बात तो यह है कि यह चूहे मंदिर से बाहर नहीं जाते हैं। नंबर तीन, वीरभद्र मंदिर। आंध्र प्रदेश के लुकाछिपी जिले में बने हुए इस मंदिर का एक खास रहस्य यह है, इस मंदिर में कई पिलर हैं, लेकिन एक पिलर बहुत खास है क्योंकि यह पिलर हवा में रहता है। जी हाँ, यह पिलर हवा में इतनी ऊपर रहता है कि आसानी से इसके नीचे से कपड़ा निकाला जा सकता है। इस पिलर को आकाश तप कहा जाता है, परंतु अभी तक लोग इसके हवा में होने का रहस्य नहीं ढूंढ पाए हैं। नंबर चार, अंजना स्वामी मंदिर। इस मंदिर को दुनिया का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है। इस मंदिर में सबसे रहस्यमय इसके खजाने हैं और एक खजाने से लाखों करोड़ों रुपए का सामान निकलता है। अभी कुछ खजाने बंद हैं और माना जाता है कि इसे खास मंत्र के जरिए खोला जा सकता है। नंबर पाँच, कैलाश मंदिर। इस मंदिर की खास बात यह है कि यह पूरा मंदिर एक खास चट्टान से बनाया गया है, यानी कि एक चट्टान को ऊपर से खोदना शुरू किया गया और उसके नीचे तक खोद कर बनाया गया और उसमें महीन निकासी की गई। यह तल से करीब 107 फीट नीचे तक है और इसमें की गई कारागिरी काफी रहस्यमय है। मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको भारत के पांच रहस्यमय मंदिर काफी पसंद आए होंगे। यदि आए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मित्रों, अब दीजिए हमें इजाजत ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी ही अनसुनी व रोचक जानकारी ढूंढ कर ला सकें। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते।